अभी मैं जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन की तरफ, सबवे स्टेशन जिसे यहाँ कहते हैं। तो जो सबवे स्टेशन है वो यहाँ सामने है और मुझे जो है वो वहाँ तक जाना है ऊपर, और वहाँ जो है वो वेंडिंग मशीन से जो है फिर टिकट्स परचेज करेंगे। ये जो है हाईवे है जो एयरपोर्ट के पास है और एयरपोर्ट की तरफ जाता है, और यहाँ पे जो है वो रनवे भी है, तो आप वो देख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट लैंड भी हो रहा है। तो मैं अब यहाँ पहुँच गया हूँ ट्रेन की तरफ। ये मेरा टिकट है आज का। चलिए हम नीचे चलते हैं और ये कार्ड जो है वो यूज करते हैं। तो ये मैंने कार्ड यूज किया और मैं अब जा रहा हूँ ट्रेन की तरफ। ट्रेन जो है फॉरेस्ट पार्क की अभी आ रही है, तो जो है वो यहाँ पे है। तो अभी जो है वो ट्रेन में बोर्ड होते हैं और उसके बाद जो है मैं जो है वो यहाँ से सबवे के जो स्टेशन है वो यहाँ से मैं बाहर आया हूँ, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है वो इनका शिकागो थिएटर जो है वो है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो क्रिसमस की साइड है, क्रिसमस हैं वो स्टार्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मोहम्मद नईम और आज मैं शिकागो में हूँ, और अभी मैं डाउनटाउन शिकागो जा रहा हूँ। तो मैंने सोचा कि आपके साथ ये जर्नी शेयर कर दूँ। अभी सुबह के करीबन 10 बजे हैं और ठंड भी बाहर बहुत है, तो चलिए आज का व्लॉग शुरू करते हैं। मैं जा रहा हूँ मेट्रो स्टेशन की तरफ, सबवे स्टेशन जिसे यहाँ कहते हैं। तो जो सबवे स्टेशन है वो यहाँ सामने है, और मुझे जो है वो वहाँ तक जाना है ऊपर, और वहाँ जो है वो वेंडिंग मशीन से जो है फिर टिकट्स परचेज करेंगे। तो नॉर्मली मैं जो है वो कैश यूज़ करता हूँ, अपने पास डॉलर रखता हूँ, तो ट्राई करते हैं, नहीं तो डेबिट कार्ड भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलें वहाँ चलते हैं फिर देखते हैं। अभी मैं जा रहा हूँ मशीन्स की तरफ, और ये जो है हाईवे है जो एयरपोर्ट के पास है और एयरपोर्ट की तरफ जाता है, और यहाँ पे जो है वो रनवे भी है, तो आप वो देख सकते हैं कि एयरक्राफ्ट लैंड भी हो रहा है। तो मैं अब यहाँ पहुँच गया हूँ ट्रेन की तरफ, और यहाँ पे जो है सबसे पहले टिकट अपना लेंगे और उसके बाद जो है वो फिर नीचे की तरफ जाके ट्रेन का वेट करेंगे। अच्छा, ये वेंडिंग मशीन है यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हैं, ये न्यू वेंट्रा कार्ड का ऑप्शन है, और बाकी आप अकाउंट समरी वगैरह सब देख सकते हैं अगर आपके पास कार्ड है। और बाकी जो है वो विजिटर्स जो होते हैं उनके लिए ये है कि सिंगल ट्रिप पर आप टिकट ले सकते हैं या फिर आप वन डे पास जो है वो ले सकते हैं। तो मैं वन डे पास ही लूँगा क्योंकि मैं जो है जाके वापस भी आऊँगा, तो नहीं तो मुझे फिर ये कि वहाँ पे वापसी के आने के लिए भी जो है वो टिकट परचेज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे फिर हम सिलेक्ट करते हैं इसको। और दूसरा, यहाँ पे जितने का टिकट है आपने उतने ही अमाउंट इसके अंदर डालनी है अगर आप कैश यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये आपको जो है वापस नहीं देता है। तो यहाँ पे देखें, ये शो कर रहा है कि आप $5 के अंदर जो है वो टिकट खरीद सकते हैं, तो मैं जो है वो $5 इसके अंदर डालता हूँ। तो ये रिसिप्ट का ऑप्शन दिया है कि आप अगर रिसिप्ट लेना चाहते हैं तो आप रिसिप्ट ले सकते हैं। तो
तो ये देखें, ये आपका जो है वेंट्रा का जो कार्ड है वो भी है, यहाँ से कार्ड परचेज कर लिया और ये मेरा टिकट है आज का। चले हम नीचे चलते हैं और ये कार्ड जो है वो यूज करते हैं। तो ये मैंने कार्ड यूज किया और मैं अब जा रहा हूँ ट्रेन की तरफ। तो ट्रेन जो है वो कुछ मिनट्स में आने वाली है और कोई ट्रांसफर हमने नहीं लेना, वरना नॉर्मली यूएस में ये होता है कि आपको ट्रांसफर जो है वो ट्रेन लेनी पड़ती है। तो उसके लिए फिर ये है कि आपको स्टेशन वगैरह का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और उसके हिसाब से फिर आपको ट्रेन जो है वो चेंज करना। और जो ट्रेन है वो दो तरफ जाती है, एक एयरपोर्ट की तरफ जाती है और दूसरी जो है फॉरेस्ट पार्क। तो आप यहाँ देख सकते हैं 5 मिनट में जो है वो फॉरेस्ट पार्क वाली ट्रेन आने वाली है। तो मुझे जो है वो फॉरेस्ट पार्क वाली ट्रेन लेनी है जो मुझे डाउनटाउन शिकागो की तरफ लेके जाएगी। तो वेट करते हैं 5 मिनट और फिर उसके बाद जो है वो ट्रेन लेते हैं और शिकागो डाउनटाउन जाके उसको एक्सप्लोर करते हैं। स्टेशन है ये कम्बरलैंड स्टेशन है और अगर आप एयरपोर्ट आते हैं और एयरपोर्ट से आपने डायरेक्ट जो है वो डाउनटाउन शिकागो जाना है, अगर आपने होटल वगैरह बुक किया है तो आप वहाँ से डायरेक्ट ट्रेन ले सकते हैं, यहाँ से एयरपोर्ट से ट्रेन ले सकते हैं और आप डायरेक्ट जो है वो वहाँ पे डाउनटाउन जा सकते हैं। फॉरेस्ट पार्क के लिए अभी आ गई है, जो है वो यहाँ पे है। तो अभी जो है वो बोर्ड होते हैं और उसके बाद जो है moments later acha main jo hai wo yahan pe abhi train se utra hu। ye station jo hai wo hai washington aur ye jo hai 15th station tha cumberland se aur ये जो है वो डाउनटाउन के अंदर है और यहाँ पे जो है काफ़ी सारी जगह जो है गली में इस स्टेशन से। तो चलें बाहर चलते हैं फिर उसके बाद देखते हैं। ये जो है वो यहाँ पे एक मॉल है और ये जो आप स्टेशन से ही यहाँ से एग्जिट करते हैं तो ये बिल्कुल ही सामने आपके है और यहाँ पे जितने भी सारे ब्रांड्स हैं वो सारे यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे जो है वो दिसंबर का मंथ स्टार्ट है तो जो क्रिसमस के है वो सारी डेकोरेशंस वगैरह जितनी भी हैं वो सेलिब्रेशंस के लिए यहाँ पे है और यूएस में ये आपको जगह जगह पे मिलेंगी और ये जो है स्टार्ट हो जाती हैं मंथ के स्टार्ट से ही। और यहाँ पे खाने वगैरह के लिए रेस्टोरेंट्स वगैरह सब कुछ है, डंकिन डोनट्स भी है और जो है वो वेंडिंग मशीन्स यहाँ पे भी हैं और यहाँ पे जो है वो एग्जिट है तो एग्जिट यहाँ से करते हैं। तो मैं जो आया था वो वॉशिंगटन स्टेशन पे यहाँ पे मैं आया था और अभी जो है वो मैं सामने मॉल से होते हुए जो है वो बाहर एग्जिट की तरफ जा रहा हूँ। तो ये है जी शिकागो, यहाँ पे जो है वो शिकागो थिएटर वगैरह और ये सारी चीज़ें हैं। वो यहाँ से सबवे के जो स्टेशन है वो यहाँ से मैं बाहर आया हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है वो इनका शिकागो थिएटर।
थिएटर जो है वो है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो क्रिसमस की सारीटा क्रिसमस हैं वो स्टार्ट हैं, और बाकी जो है वो स्ट्रीट्स भी जो हैं वो आप देख सकते हैं कि काफ़ी डेकोरेट की हुई है उन लोगों ने। जा रहा हूँ मैं मिली पार्क की तरफ, और शिकागो बीन भी वहाँ पे है और फेमस जगह है वहाँ पे, उस तरफ पार्क है, तो मुझे यहाँ से एंट्रेंस के लिए जाना पड़ेगा और रोड क्रॉस करते हैं और उसके बाद जो है वो वहाँ पे पार्क में एंटर करते हैं। तो ये मैं पार्क की तरफ आ गया हूँ, और ये जो है वो पार्क की एंट्रेंस है इस तरफ, और मुझे ऊपर की तरफ जाना है, और जो है वो इसके पीछे जो है वो शिकागो बीन है, और यहाँ से भी आप देख सकते हैं ये सामने जो है वो शिकागो बीन है, और यहाँ पे जो है वो काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पे विजिट करते हैं। तो मेरे पीछे जो है वो स्केटिंग के लिए उन्होंने यहाँ पे अभी स्टार्ट किया है, वो जगह दी है, और यहाँ पे आप स्केटिंग वगैरह कर सकते हैं। और शिकागो बीन जो है वो यहाँ पे इस तरफ है पीछे, तो मैं अभी ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, और ऊपर जाके जो है वो फिर शिकागो बीन में आपको करीब से जो है विजिट कराता हूँ, और काफ़ी अच्छी जगह वेदर जो है वो ऑलमोस्ट 8 डिग्री है। यहाँ पे ऊपर आ गया हूँ, और ये जो है यहाँ की एंट्रेंस थी, और स्टेशन से भी मैं इसी तरफ से आया था, और ये जो मैंने आपको जगह दिखाई थी यहाँ पे स्केटिंग के लिए नीचे जगह दी है, और ये जो है वो शिकागो बीन है, और ये आई थिंक इन्होंने यहाँ से बंद किया है। पीछे जो है वो शिकागो बीन है, बट ये इन्होंने यहाँ पे क्लोज किया है क्योंकि यहाँ पे जो है वो कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है। तो ये मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ कि मैंने यहाँ से इनसे पूछा है, तो वो ये कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन का जो है वो सारा काम यहाँ पे स्टार्ट है, तो इस वजह से जो है वो इन्होंने यहाँ पे इसको बंद किया हुआ है, टेम्परेरी क्लोज है, और जैसे काम खत्म होगा तो फिर ये दोबारा ओपन करेंगे, और आई थिंक क्रिसमस वगैरह के लिए जो है वो यहाँ पे कोई तैयारी वगैरह कर रहे हैं, तो फिर यहाँ से हम चलते हैं। अभी जो है वो मिलेनियम पार्क से बाहर की तरफ जा रहा हूँ, तो कोई रेस्टोरेंट ढूंढते हैं, अभी मैंने सर्च किया था तो एक रेस्टोरेंट है दीलाल गई के नाम से, इंजेक्शन ब्रेड है, तो वहाँ जाके ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन हैं हमारे पास, तो चलें चलते हैं अभी रेस्टोरेंट की तरफ। वो रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा हूँ, और रेस्टोरेंट जो है वो यहाँ पे इस स्ट्रीट के अंदर ही है, और उस स्ट्रीट के बिल्कुल सामने ही जो है वो ट्रम्प टावर है, तो मैंने कहा कि आपको मैं विजिट करा लूँ। तो ये जो सामने है ये ट्रम्प टावर है शिकागो डाउनटाउन के अंदर, तो चलें इसके करीब चलते हैं और करीब से मैं आपको विजिट कराता हूँ। तो ये है जी बिल्कुल सामने ट्रम्प टावर, तो ये आप देख सकते हैं ये ट्रम्प टावर है, और बाकी काफ़ी सारे होटल्स जो हैं वो यहाँ डाउनटाउन के अंदर हैं, तो यहाँ पे आप रह सकते हैं, और जो मैं अभी आया था तो वो मैं इस तरफ से आया था, और यहाँ पे जो है आप अगर लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो यहाँ पे बिल्कुल सामने आपका मिलेनियम पार्क है और शिकागो बीन, और बाकी सारे रेस्टोरेंट्स भी इसी तरफ आते हैं। तो जो रेस्टोरेंट मैं आपको बता रहा था वो इस स्ट्रीट के अंदर है, तो अभी वापसी जाते हैं और वो रेस्टोरेंट भी चेक करते हैं, तो मैंने सोचा था कि आपको पहले यहाँ ट्रम्प टावर दिखा दूँ। और ये बिल्कुल सामने जो है वो मेरे यहाँ पे भी हिल्टन गार्डन है, ये भी एक होटल है, तो ये भी आप जो है चेक कर सकते हैं।
रेस्टोरेंट जाने से पहले जो है वो आज फ्राइडे है तो इस्लामिक सेंटर करीब में ही है, तो वहाँ जाके पहले नमाज अदा करते हैं और उसके बाद जाके रेस्टोरेंट चेक करेंगे। और इस्लामिक सेंटर जो है वो करीब ही है तो मैं वहाँ भी जा रहा हूँ और उसके बाद जो है फिर वो रेस्टोरेंट की तरफ जाएंगे। जी अभी जुमे की नमाज अदा की है और मेरे पीछे जो है वो इस्लामिक सेंटर है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप देख भी सकते हैं जहाँ से लोग जो है वो बाहर निकल रहे हैं, तो ये जो है वो इस्लामिक सेंटर है और यहाँ पे जो है वो अभी नमाज अदा करके सब लोग जो है वो निकल रहे हैं। तो अभी नमाज अदा करने के बाद जो है वो मैं रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा हूँ, तो देखते हैं वापस होटल भी जाना है, तो अगर टाइम हुआ तो वहीं पे जो है वो खा लेंगे अगर कोई ऑप्शन हुआ, और अगर नहीं हुआ टाइम तो फिर ये है कि हम टेक अवे करा के वापस होटल की तरफ निकलेंगे। दिलाल गाइस, तो अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या क्या है। इनके पास जो है वो यहाँ पे सैंडविचेस हैं, प्लेटर है और बाकी जो है वो बीफ डायरो है, फलाफल कॉम्बो, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे और साइड्स में भी इनके पास है। तो ट्राई करते हैं ये प्लेटर, ट्राई करते हैं तो देखते हैं क्या है। हाय, कैन आई हैव रेगुलर प्लेटर? या चिकन वन? ना ना नहीं। या तो ये जो है देखें राइस के साथ ये बना रहे हैं और उसके बाद जो है वो चिकन, या तो चिकन चिकन या तो ये जो है वो इन्होंने प्लेटर बना दिया है। डन, थैंक यू सो मच। टेक अवे, तो मैंने टेक अवे लिया क्योंकि टाइम नहीं है यहाँ खाने के लिए और होटल वापस पहुँचना है। तो ये जो है वो हलाल गाइस के नाम से है। तो ये जो है यहाँ पे बिल है इसका, तो आई थिंक 1399 और बाकी टैक्स वगैरह होता है। थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओके, बाय बाय। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। तो ये जो है वो यहाँ से मैंने टेक अवे ले लिया। तो मैं चेक करता हूँ मैप पे कि कौन सा जो है मेट्रो स्टेशन करीब है, तो वो फिर हम जो है वो यहाँ से ट्रेन लेके और घर की तरफ निकलते हैं, होटल की तरफ। तो ये मैं स्टेशन में आ गया हूँ, तो ये जो है दोबारा से वही टैप करेंगे और जो है वो उसके बाद हम वापस आएंगे। मैं प्लेटफॉर्म पे आ गया हूँ बट मुझे जो है वो ब्लू लाइन लेनी है, तो ये जो है वो रेड लाइन का प्लेटफॉर्म है, तो मुझे जो है वो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पे जाना होगा। तो मैं जो है वो सामने जाके एक्सिट लेगी और नेक्स्ट प्लेटफॉर्म है उस पर जाऊँगा। वो ब्लू लाइन है, तो ये एक्सीलेटर लेके हम ब्लू लाइन की तरफ जाएंगे और ब्लू लाइन से जो है वो अपनी जो डेस्टिनेशन की ट्रेन है वो वहाँ से लेंगे और उसके बाद फिर होटल की तरफ निकलेंगे। तो ये मैं वापस वहीं उसी मॉल की तरफ आ गया हूँ जहाँ पे जो है वो मैं इंटर हुआ था, तो यहाँ से जो है वो हम जाके ट्रेन लेंगे। जो है वो आ रही है और ये ट्रेन जो है वो एयरपोर्ट की तरफ जाएगी, तो हमें ये ट्रेन लेनी है। A few moments.
moments later. तो मैं जो है वो स्टेशन पे आ गया हूँ कंबरलैंड, और अब जो है वो होटल की तरफ जा रहा हूँ, तो वापस होटल चलते हैं। तो वापस जो है वो मैं होटल की तरफ जा रहा हूँ, बिल्कुल सामने होटल है ये। तो वापस मैं आ गया हूँ होटल की तरफ, और होटल जो है वो बिल्कुल सामने ही है, तो जाते हैं वापस होटल की तरफ। तो ये था जो आज का व्लॉग, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंशाल्लाह मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।